हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये शादी आपकी फरवरी में है? सारा सामान चला गया? सब चला गया। क्या था? पुलिस को हम 7 बजे गए, सुबह 7 बजे गए तो हमको वहाँ बोले कि अभी सो, ये रात वाले हैं, नाइट वाले ड्यूटी वाले हैं, अभी सो रहे हैं, 10 बजे आना। तो नाम एक परिवार को चोरों ने अपना निशाना बनाया। घर के मुख्य गेट से अंदर घुसे चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया। चोरों का शिकार बना परिवार अब मदद की गुहार लगा रहा है। परिजनों ने बताया कि बेटी की शादी के लिए किसी तरह से धीरे धीरे करके सारा सामान जुटाया था, लेकिन चोर सब चुरा ले गए। गहने, कपड़े, बर्तन, कुछ नहीं बचा। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बेटी की शादी कैसे करेंगे। वहीं पुलिस से भी पीड़ित परिवार को कोई खास मदद नहीं मिली। मदद की गुहार लेकर पीड़ित परिवार जब सुबह 7 बजे पुलिस चौकी पहुंचा तो पुलिस चौकी में कहा गया कि अभी सब सो रहे हैं, 10 बजे के बाद आओ। हमारे सब सामान यहाँ कुछ रही नहीं गया, सब भी नहीं गया। तो चोरी के बाद क्या कुंडी लगा दी थे बाहर? कुंडी नहीं थे, दरवाजे खुले पड़े थे। खुले पड़े थे जब आप उठे, उसके बाद खुले दरवाजे देखे, उसके बाद फिर मिले हमको खुले दरवाजे। तो आपने पुलिस को खबर किया था, किस टाइम किया था? पुलिस को हम 7 बजे गए, सुबह सात बजे गए तो हमको वहाँ बोले कि अभी ये रात वाले हैं, नाइट वाले ड्यूटी वाले हैं, अभी सो रहे, 10 बजे आना। तो मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव के मगरवाड़ा चौकी क्षेत्र में मगरवाड़ा में बाल सुधार शिक्षा निकेतन के पास भैया लाल जी का मकान है। भैया लाल बीमारी की वजह से पिछले 2 सालों से कोई काम नहीं कर पा रहे, लिहाजा वो घर पर ही रहते हैं। भैया लाल की 5 बेटियां और 1 बेटा है, जिनमें से 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, चौथी बेटी की उन्होंने शादी तय कर दी है। इसके साथ ही भैया लाल का छोटा भाई राजकुमार भी अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता है। फरवरी में भैया लाल की चौथी बेटी की शादी है, लिहाजा घर के हालातों को देखते हुए अभी से बेटी की शादी के लिए सामान जमा करने लगे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर न जाने किसकी बुरी नजर भैया लाल की खुशियों को लग गई। मंगलवार रात भैया लाल की पत्नी भूटान काम काज खत्म करने के बाद पूरे परिवार सहित नए बने घर में सोने के लिए चले गए। पुराने घर में बक्सों में सोने के गहने, कपड़े और पीतल के कई बड़े बर्तन संभाल कर रखे हुए थे। मंगलवार रात चोरी छुपे चोर घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे। रात भर में चोरों ने घर के हर कोने को खंगाल डाला। चोर घर में रखे हर कीमती सामान को उठा ले गए। सुबह जब बिटान की नींद खुली तो नए घर से जब वो बाहर निकल कर आई तो पुराने घर के दरवाजे का ताला टूटा देख वो सन्न रह गई। तुरंत ही उन्होंने घर वालों की इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सभी घर के अंदर पहुंचे तो पूरा घर खाली पड़ा था। चोर बक्सों में रखे सोने और चांदी के गहने, हार सब उठा ले गए। यहाँ तक कि पीतल के बर्तन और बेटी की शादी के लिए रखे गए कपड़े तक चोर उठा ले गए। मैं आज पहुँचा हूँ मगरवाड़ा। मगरवाड़ा में एक परिवार ऐसा है, भैया लाल जी का परिवार है और बहुत ही गरीब परिवार, जिनके 5 पुत्रियां हैं। आप सोच सकते हैं कि उनके घर में चोरी हो जाती है और रात को चोरी, परसों 27 तारीख की रात को चोरी होती है इनके यहाँ, और प्रशासन पास में ही है, यानी मगरवाड़ा चौकी मगरवाड़ा का मामला है और मगरवाड़ा चौकी पास में पड़ती है, और यहाँ अभी तक कोई सक्षम अधिकारी आके इनसे ये पूछने नहीं आया कि इसमें क्या प्रक्रिया हो रही है और किसकी धरपकड़ हुई है या क्या किसमें संदेह जताया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। मैं यहाँ पहुंचा हूँ घर में, ये घर है इनका, आप देख सकते हैं कि ये भैया लाल जी का घर है और इन्हीं के यहाँ चोरी हुई है और लाखों का सामान इनका चला गया। ये लोग बेघर हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि इनकी पुत्री की शादी थी और शादी फरवरी में होनी थी, इसलिए सारा सामान इन्होंने एकत्रित कर रखा था बिटिया की शादी के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ और इनसे बात भी करते हैं कि क्या क्या सामान का गया और पुलिस की क्या कार्रवाई है। आगे बताइए। इसी कुंडी से खोल के, ये वही मकान है जहां से चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया रात को। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें हम कि साइकिल पे लाद के सारा सामान ले जाते हैं चोर और किसी को पता नहीं चलता। सोचने वाली बात है, किसी को पता नहीं चलता। काटने के बाद जो इनका कीमती सामान, जेवर, पैसा जो भी रखा था यहां से, वो चोर ले गए। और आगे भी दिखाएंगे आपको हम कि क्या क्या सामान इनका गया है। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, ये इनके कपड़े, इनके कपड़े शादी के जो कपड़े इन्होंने एकत्रित किए थे, लाए थे बिटिया की शादी के लिए, वो कपड़े के सारे कवर्स यहाँ पड़े हुए हैं और सामान क्या है।
चोरी की घटना की सूचना पुलिस को देने के लिए तुरंत ही भैया लाल और उनके घर वाले सुबह 7 बजे मगरवाड़ा चौकी पहुंच गए। यहां पर उनका दुख उनकी समस्या जानने के बजाय उनसे ये कहा गया अभी सब सो रहे हैं 10 बजे के बाद आओ। एक आदमी जिसका सब कुछ लूट गया हो, जिसकी बेटी की शादी होनी है, उसके ऊपर वो 3 घंटे कितने भारी पड़ सकते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरे हम सो गए जब 5 बजे उठी सुबह पानी भरने के लिए पर, तो यहाँ मेरे दरवाजे खुले पड़े और सब ताला टूटा पड़ा। हम दौड़ घर हैं, सब हमारे सब सामान यहाँ कुछ रही नहीं गए, सब भी नहीं। तो चोरी के बाद क्या कुंडी लगा दी थे बाहर? कुंडी नहीं थे, दरवाजे खुले पड़े थे। खुले पड़े थे, जब आप उठे उसके बाद खुले दरवाजे देखे, उसके बाद मिले हमको खुले दरवाजे। तो आपने पुलिस को खबर किया था, किस टाइम किया था? पुलिस को हम 7 बजे गए, सुबह सात बजे गए। तो हमको वहाँ बोले कि अभी सो, ये रात वाले हैं, नाइट वाले ड्यूटी वाले हैं, अभी सो रहे हैं, 10 बजे आना। तो हम जब कहें 10 बजे आना, तो इसके बाद यहाँ एक देखने वाले लड़के आ गए, तो 112 मिलाया, तो 112 नंबर वाले आए, वो देख के गए, हमको चौकी बुलाया कि चौकी आओ। वहाँ गए चौकी, तो वहाँ पे हमको एक पुलिस वाले मिले, तो कहे बैठे, तो कहने की तो किसी से वहाँ बताना मत, मोहल्ले में शोर मत करना कि हमारे घर चोरी हो गई है, और नहीं जो शोर मचा दोगे कि हमारे घर चोरी हो गई तो चोर सतर्क हो जाएंगे, वो हम पकड़ नहीं पाएंगे। और तुमने हम बड़ी बड़ी बैंकों कंपनियां हम उनको देख रेख कर सकते हैं कि हम तुम्हारा घर मकान, तुम अपना मकान नहीं ताक पाए अपना। किसने कहा ये बात? ये पुलिस वाले ने कहा, चौकी मंगरवारा। फिर हमते कहला जाओ, हमते कहला हमारे भाई, एक भाई रहा उनसे, वो जो अपने बता के एप्लीकेशन लिखवाए, और लिख के कहला जाओ अभी हम आधा घंटा में आ रहे हैं, आधार कार्ड मोबाइल नंबर देना। आधा घंटा के बाद 2 बज गए, कोई आया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह बेटी की शादी कैसे करेंगे, उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। अगर किसी तरह से आप पीड़ित परिवार की मदद करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम पीड़ित परिवार के संपर्क नंबर आपको मुहैया करा देंगे। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, मगरवाड़ा, उन्नाव, यूनिज यूपी।